बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त एक यूपीएस आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, चाइना का ट्रस्ट कंपनी का है। ये देख लीजिए, ये ट्रस्ट कंपनी का यूपीएस है। यहाँ पे भी आप इसकी स्पेक्स वगैरह देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं लाइट को कम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ट्रस्ट कंपनी का, और यहाँ पर इसका लिखा हुआ है 650 वोल्ट एम्पियर यूपीएस पीडब्ल्यू 4465T। ये इसका नंबर है, और बाकी की स्पेक्स आप देख सकते हैं कि 230 वोल्ट आउटपुट है, 220 240 वोल्ट इस तरह करके, और एक 2.1 एम्पेयर कुछ इस तरह करके 300 वाट तक का लोड इस पे डाल सकते हैं। बाकी पावर फैक्टर ये वो मसले मसाइल, ठीक है जी। तो ये है यहाँ पे इसका ट्रस्ट, ये बना हुआ है। ये 20 यूरो इसकी कुछ कीमत लिखी हुई है, या पता नहीं क्या है 20 यूरो का। तो ये मैंने लिया था बहुत पहले, मेरे पास पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं यूपीएस वगैरह का इन चीज़ों का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं रखता। मेरे पास घर पे जनरेटर्स मौजूद हैं, मेरे पास अपना एक सोलर सिस्टम 12 वोल्ट के हिसाब से चल रहा है। 12 वोल्ट मेरी पसंदीदा सिस्टम है, 12 वोल्ट का, जो कि 12 वोल्ट से आप बहुत एफिशिएंटली अपने लोड्स चला सकते हैं। मेरे लोड तकरीबन सारे 12 वोल्ट के हैं, फैंस, मेरे कूलर, मेरे ये मेरा वो सब कुछ 12 वोल्ट से ही चलने वाला है। ये यूपीएस इस मकसद के लिए लिया, उठाया था मैंने अभी आज ही, कि इसको मैं कुछ अपना बैटरी के लिए चार्जिंग सिस्टम इमरजेंसी में बना सकूं। इसका थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या कुछ है। ये इसमें ट्रांसफार्मर है, ये देख लीजिए, ये इसमें ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर, और ये इसकी प्राइमरी है जो कि इस बोर्ड के ऊपर ये लगी हुई है, ये दो, और ये इसकी पावर की वायर है जो कि इंटरनल बैटरी थी इसमें 12 वोल्ट की, 7 एम्पेयर आवर की। वो मैंने निकाल ली क्योंकि वो ख़राब हो गई थी, तो ये पोर्टेबल किस्म का यूपीएस था, तो वो मैंने निकाल ली। तो वो ज़ाहिर सी बात है, वो बैटरी कुछ वक्त के बाद ख़राब हो जाती हैं, कंप्यूटर को चलाने के लिए बनाया गया था जो भी है सिस्टम। तो अब हम ये करेंगे कि चूँकि मैं इसको अपने 260 AH की बैटरी को चार्ज करने के लिए इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो ये दो तारें यहाँ से हम छील लेंगे, और इसके साथ थोड़े से ये एक्सटेंशन वायर मैं लगा लूँगा। ये दो अच्छी खासी वायर्स हैं, ये मैं लगा दूँगा इनके साथ, और इसको अपनी बैटरी सिस्टम पर इस कवर से बाहर निकाल के, ये इसकी बॉडी है तो ये मैंने सारा खोला हुआ है, तो इसमें से निकाल के मैं बाहर ले आऊँगा और अपना चार्जिंग सिस्टम बना के। और ये इसकी प्राइमरी है ट्रांसफार्मर की, देख लीजिए, तीन वायर्स की। ये तीन वायर इसलिए रखी जाती हैं कि एक ज़ीरो होती है, एक चार्जिंग होती है, और एक इसकी एक आउटपुट होती है। इस तरह करके, या ये ज़ीरो, ये चार्जिंग, और ये इसकी आउटपुट, इस तरह करके इसकी वायर्स होती हैं। फिर ये यहाँ पर चार्जिंग वोल्टेज सप्लाई करता है। फिर यहाँ पर एक ब्रिज सर्किट है, 4 FET से बना हुआ, ये देख लें, ये FETs हैं। ये इसका सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर है। इधर इसकी कुछ सपोर्टिंग ICs हैं, कुछ रिलेस हैं स्विचिंग करने के लिए। यहाँ इसका बजर है, इधर एक बटन इन्होंने दिया हुआ है, और कुछ छोटा सा बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। एक बोर्ड इसका ये भी है, ये इसके पीछे लगा हुआ है, ये इंटरफेसिंग का है, टेलीफोन वगैरह पहले ज़माने में इस्तेमाल होते थे ये टेलीफोन के लिए, इस तरह का कर करके इन्होंने कुछ ये बोर्ड दिया हुआ है। जो भी है, बहरहाल ये भी इसका एक सर्किट के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, जस्ट इन और आउट है। तो ये मैंने खोला था ये एक्सटेंशन लगाने के लिए। तो अब मैं थोड़ा सा आपको और दिखा देता हूँ। ये देखें इसकी आउटपुट सर्किट्स, ये इसकी आउटपुट और इनपुट है। इनपुट इसकी कहाँ पे है, इनपुट इसकी ये है, और यहाँ पे इसकी आउटपुट्स हैं। ये बैकअप पावर, और ये बैकअप पावर, ये यहाँ से बैकअप मिलती है। इसके दो आउटपुट हैं, और यहाँ पर ये TEL1 TEL2 जो है, TEL OUT TEL IN जो है, सॉरी, ये यही वाले हैं, क्योंकि ये यहाँ पे आके इस तरह बैठ जाते हैं, ऊपर के कवर में लग जाते हैं। बहरहाल वो मैं इसमें लगाऊंगा सारा। ये बैटरी का क्लंप था, यहाँ बैटरी थी, और दूसरे इस कवर में इसका जो था तो सर्किट बोर्ड यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये सारा मैं फिट कर दूंगा, फिर इसकी तारें मैं बाहर निकाल लूँगा और चार्जिंग पर इस्तेमाल कर लूँगा। बस सिर्फ आपको दिखाना था थोड़ा सा ओवरव्यू, कि ये इस तरह से चीज़ होती है, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये यूपीएस वगैरह, ये यूपीएस और ये इन्वर्टर्स वगैरह, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, जिस तरह लोग आपको पता नहीं क्या क्या हिल ड्रामे दिखाते हैं इंटरनेट के ऊपर, यूपीएस और इन्वर्टर्स को आपको कोई बला बना के दिखाते हैं। ये जस्ट एक पावर की चीज़ है, जो कि बैटरी की पावर लेके, यहाँ पर बैटरी की पावर लेके इसको इन्वर्ट करके ट्रांसफार्मर के ज़रिए आपको 230 वोल्ट आउटपुट में दे देता है, बस इतनी सी बात है। और वो कोई फ़ायदा आपको नहीं दे रहा होता, सिर्फ आप वोल्टेज अप कर देता है, AC बना के वोल्टेज अप कर देता है, बस इतनी सी बात होती है, जिससे आप अपने अप्लायंसेस ये वो चला सकते हैं। तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट इस सच नहीं था, सिर्फ इसकी चार्जिंग सिस्टम से मुझे इंटरेस्ट था कि मैं अपनी इमरजेंसी में रात के वक्त के लिए, क्योंकि कल परसों में मेरा चार्जर आ जाएगा जो अच्छे वाला है, तो वो तकरीबन 25-30 एम्पेयर का चार्जर है। ये तो छोटा सा है, ये तो शायद 8-10 एम्पेयर का होगा, 8-10 एम्पेयर या इससे शायद ज़्यादा एम्पेयर का होगा ये। तो ये छोटा सा चार्जर इतना होगा कि उस बैटरी को चार्ज कर सकेगा रात के लिए। तो मैं फिर नेक्स्ट डे जब बड़ा चार्जर आ जाएगा,
तो शायद उसके ऊपर भी कुछ रिव्यू वीडियो, इसकी फिटिंग ये वो, क्योंकि उसका बोर्ड मैंने मंगवाया हुआ है। एक और रिव्यू आपका आपके पास मेरे इस चैनल के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने किया हुआ है उस बोर्ड का, तो वो लगाने का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। ये सिर्फ आपको दिखाना था कि आपको मैं दिखा दूँ कि इस तरह से इसका सिस्टम है और ये मैं इसको फिट कर दूँगा। इसके बॉडी के अंदर स्क्रूज हैं, वो लगा लेंगे। 4 स्क्रूज के ऊपर बॉडी है और एक स्क्रू के ऊपर इसका ये लगा हुआ है, ये फ्रंट। तो ये सारे लगा के मैं सेट करके फिर इसको अपने सिस्टम में ले लूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो में से आपको कुछ लर्निंग करने का मौका मिला होगा। कुछ लर्न किया है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। देखने के लिए शुक्रिया।